सीमा मिल गई यहाँ पे, वीडियो भी हो रहा है ना, और अजू भी जाओ ना, और मम्मी हम लोग सब वेडिंग में जो है पहुंच, डैडी अजू भी जाओ, चल फोटो भी ले लेती हूँ साथ साथ में, फोटो भी ले लेती हूँ मैं, जाना सिया। तो अब जो है हम लोग शादी में पहुंच गए हैं, यानी कि जो हमने हल्दी और मेहंदी देखी थी उसी की जो है ये शादी। नहीं पर आप भाग गए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे कल भी, हाँ कल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे टिंकू भी है, यहाँ पे टिंकू भी है जो मुझे फुल इग्नोर कर रहा है। हेलो, नाइस टू सी यू इन योर व्लॉग। अच्छा, थैंक यू, रेगुलर कस्टमर ऑफ योर व्लॉग, थैंक यू। तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, मतलब हम बारात के साथ नहीं आए थे, वैसे बारात जो है कंबाइन शादी थी, तो बारात और घराती जो है सभी एक साथ ही आने थे। तो टिंकू लोग हम लोग पहले ही यहाँ पहुंच गए थे, सीमा को तो आप मिल चुके हो स्टार्टिंग में ही, टिंकू की वाइफ है ना, टिंकू भाई है मेरा। और हम लोग यहाँ पे देखिए बैठ के अब स्नैक्स का आनंद उठा रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छी शादी थी, बहुत मज़ा आया हमें मतलब। और यहाँ पे देखिए अभी ना हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि यही होता है कि अगर आप टाइम से कहीं भी पहुँच जाओ, चाहे फिर वो कोई भी जगह हो, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हम मम्मी डैडी स्नैक्स का आनंद उठा रहे हैं, सिया भी है साथ में, और मैं अपना काम करने में लगी हुई हूँ लगातार। अभी बारात नहीं आई थी, बारात अभी रास्ते में ही थी, तो मतलब जो है हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि बारात कब आएगी, और बारात को जो है थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चाट लेने के लिए। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे इस मतलब साइड में ना सारे जो है वेडिंग हॉल्स थे और वेडिंग प्लेस पैलेस था, और सभी जो है बिल्कुल भरे हुए थे। तो ये लीजिए चाट का जो है, मैंने आप लोगों को भी लिए भी जो है चाट की वीडियोस बना ली है। डोसा लेके आई थी मैं अपने लिए, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मैं कहीं भी जाऊँ डोसा ज़रूर खाती हूँ। और तो अभी ना बहुत सारे लोग जो है अभी आ ही रहे हैं, और जो है और यहाँ आप देख सकते हैं टिंकू और ये बैठे हैं, पंकज बैठे हैं, और इन लोगों ने नेवता का काम संभाल रखा है। तो टिंकू जो है उन्होंने टिंकू ने बोला कि जिया जी को, मतलब कि आप भी मेरे साथ बैठ जाओ, तो दोनों ही बैठ के यहाँ पे नेवता कर रहे थे। ये वर पक्ष की तरफ थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही कंबाइन थे, इसलिए इस तरह से। और देखिए मुझे ना डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, इस तरह का जब मतलब गर्मियों की शादी हो, और गर्मियों की यानी कि अक्टूबर तक के महीने में ना, अप्रैल मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की शादियों में इस तरह का खुला वाला बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों की शादी में अगर इस तरह का खुला हो पैलेस, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आंटियाँ भी आ गई, मीना आंटी, सुशीला आंटी को तो आप जानते हैं, और देखिए कैसे डांस कर रही है आंटी, सॉन्ग लगा हुआ था, और मैं सॉन्ग लगाऊंगी तो कॉपीराइट हो जाएगा, और आंटी कैसे देख रही है। और ये वही आंटी है जिनके बेटे की शादी में हम गए थे पिछले साल जून के महीने में, देखिए आंटी लोगों को सॉन्ग सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, दोनों जने जो है डांस कर रहे हैं बहुत ही प्यारे। और थोड़ा मैंने सोचा आप लोगों को स्टेज भी दिखा देते हैं, दूल्हा दुल्हन तो देखने को मिलेगा नहीं शायद, या मिल जाएगा पता नहीं, तो स्टेज दिखा देते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब दूल्हा दुल्हन बैठेंगे जब बारात आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए लड़कियाँ डांस कर रही हैं, अब कौन डांस कर रही है कौन है ये मैं नहीं जानती, मैं जानती हूँ इन्हें, ये है सीमा और विनीता, दोनों ही जो है बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इनका भी वीडियो बना लिया। और ये देखिए बच्चे बैठे हैं, रिमी और टिमी दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, और एंजॉय कर रहे हैं ये डांस, तो आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, आप लोगों के लिए ही बनाया था मैंने। और मम्मी लोगों ने, मम्मी ने मतलब स्पेशली मम्मी ने जो है स्नैक्स ही खाए, डिनर नहीं किया, इसलिए क्योंकि मम्मी का आज शुक्रवार का फास्ट होता है, तो मम्मी ने फास्ट छोड़ दिया था शादी के कारण। और जो है मम्मी को स्नैक्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी मम्मी जब शादी में जाती है तो वो सिर्फ स्नैक्स ही खाती हैं, खाना कम ही खाती हैं। और यहाँ पे अभी इंतज़ार हो रहा है बारात का, क्योंकि हमने सोचा कि अब आए हैं तो बारात तो हम देख के ही जाएंगे, तो बिना बारात देखे हम गए नहीं, तो हमने सोचा कि चलो आशीष और शांति का थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन शांति का वेट हम नहीं कर पाए, हम सिर्फ आशीष से ही मिल के चले गए थे। और यहाँ पे जो है अभी मैं आ रही हूँ, सीमा बता रही हूँ।
और ये देखिए दोस्तों बारात आ गई है, दूल्हा वो देख सकते हैं आप दूल्हे को। बाकी कहाँ बाराती, बाकी लोगों को कवर कर लेते हैं। आंसू और आरू कहाँ गए? आंसू और आरू पहुंचे अभी तक? ये कौन है? अच्छा अच्छा हाँ हाँ समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई, वो है अनीता दीदी, वो है अनीता दीदी। और ये है हमारी अनीता दीदी, हमारे दूल्हे की बहन। ये दो हिरोइन कहाँ छूट गई? और हमारे दो बराती बहुत थक गए हैं, ज्यादा थक गए दो बराती। अरे तीसरा भी है, अरे बहुत सारे। हाँ गुड। अरे ये मेन बराती इधर है, मेन बराती इधर। रुको पूरा पूरा पूरा। हाँ रुको मेरा भी तो एक फोटो होना चाहिए। हो गया हो गया मिला वो आ रहे घूम रहे जीजा रहे जीजा साला फंस गए और देखा आपने सभी कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे वही शुरू हो गया कि लेडीज़ हम लोग को लेडीज़ टॉक शुरू हो गया। और देखिए सीमा कितनी प्यारी लग रही है, और आरू ने जो प्रिंसेस वाला लुक लगाया बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लग रही है, गुड़िया जैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है पिंक ड्रेस में। और आशू का नेचर बहुत अच्छा है, दिल्ली से आई है वो शादी के लिए। और जीजा जी हमारे जो है बेचारे आज उनको हमने घेर लिया था। और ये भी है जीजा किसी के, तो हमने सोचा कि इनको भी मौका दिया जाए, तो इनको भी जो है सालियों के साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका दे दिया आज। पुराने पुराने जीजा लोगों को जो है सालियों के साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका मिल ही गया है आखिर। और ये है भाभी, यानी कि आशीष की बड़ी भाभी, हम सबकी भाभी है वो, तो इनके साथ मैं फ़ोटो खिंचा रही थी यहाँ पे। और ये लोग इधर फ़ोटो खिंचा रहे, सबका मतलब अपना अपना फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। शादियों में फंक्शंस में यही मज़े होते हैं कि आप लोग जो है थोड़ी सी हट के मज़े मस्ती करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बातें हो रही है कि जूते छुपा लेंगे, वही बातें हो रही है। तो और मैंने ये कहा था, और आज उन्होंने नए जूते भी पहने थे इत्तेफाक से, तो हम वही कह रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों का मजाक चल रहा है। और बहुत कम लोगों का नेचर ऐसा होता है जो कि खुश रहते हमेशा, तो आंसू उनमें से एक है। तो मतलब बहुत खुश मिजाज टाइप की वो है, हमेशा ही इस तरह से ही रहती है वो, मैंने आज तक उसको कभी ऐसे नहीं देखा और ना कभी देखूं टचवुड। तो हमेशा ही बहुत ही हंसी मजाक वाला उसका मतलब चेहरा है, और वैसे ही उसका नेचर है। और यहाँ पे अब हम लोग मामा से बात कर रहे थे, मामा भी पहुँच गए थे, और हम लोग जो है अब एक फ़ोटो ले रहे थे। हमने सोचा कि चलो मामा के साथ भी एक फ़ोटो लिया जाए, तो हम लोग मामा के साथ एक फ़ोटो ले रहे थे। और मतलब फैमिली पिक्चर, ये टिंकी है, टिंकी को तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग सब लोग जो है पिक्चर ले रहे थे यहाँ पे। और अब जाने का टाइम भी आ गया क्योंकि बारात अभी पहुँची है और काफ़ी लेट हो चुका था। तो यहाँ तो वैसे मैं दूल्हा दुल्हन आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन पिक्चर में मैं आपको दूल्हा दुल्हन ज़रूर दिखा दूँगी।